Now next one, previous session में discuss किया था one argument substring method, लेकिन इस केस में discuss करेंगे two argument substring method और overloading twisting methods. One more thing, twisting एक ऐसा method इस केस में जावा ने naming conventions को follow नहीं किया, just generally जितने भी आप methods use करते हैं, methods के केस में जितने middle names होते हैं और middle characters के केस में first character always कैसा होता है in upper case, लेकिन इस केस में s कैसा है in lower case, especially इसको याद रखना आपको. Then फर्स्ट आर्गुमेंट सप्लाई करोगे इंडेक्स वैल्यू, सेकंड आर्गुमेंट पास होगा जा पोजीशंस. इस पर्टिकुलर केस में इंडेक्स हमेशा काउंट होगा फ्रॉम जीरो ऑनवर्ड्स, मींस इस केस में राइट डाउन किया इंडेक्स के केस में फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 एंड सो ऑन. लेकिन पोजीशन की बात करें पोजीशन हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में काउंट होगा, प्लस स्टार्ट किससे होगा फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 6 7. देन इस पर्टिकुलर केस को टेस्ट करने के लिए आप चेक कर सकते हो गिवन आउटपुट और गिवन एग्जांपल आउटपुट्स. इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू रिटर्न क्या होगा, इट विल रिटर्न सबस्ट्रिंग फ्रॉम गिवन इंडेक्स ऑनवर्ड्स अप टू गिवन पोजीशंस. मींस इस केस में सबस्ट्रिंग रिटर्न किस प्लेस से होगा, फ्रॉम थर्ड इंडेक्स ऑनवर्ड्स. तो थर्ड इंडेक्स की केस बात करें अवेलेबल क्या है सी, लेकिन थर्ड कैरेक्टर सॉरी थर्ड पोजीशन से या थर्ड इंडेक्स के केस में सबसे पहले सी फाउंड हो, लेकिन सी के बाद कई सारे कैरेक्टर्स हैं. प्रीवियस वन आर्गुमेंट मेथड के थ्रू सी ऑनवर्ड सारे के सारे कैरेक्टर्स रिटर्न हो रहे थे, लेकिन इस केस में रिटर्न कब तक अप टू सिक्स्थ पोजीशन. इस केस में थर्ड इंडेक्स से लेकर आपको मींस कैरेक्टर्स कब तक रिटर्न करना अप टू गिवन पोजीशंस, लेकिन पोजीशंस हमेशा काउंट किस प्लेस से होगा फ्रॉम फर्स्ट प्लेस, मींस 1 2 3 4 5 मींस थर्ड इंडेक्स से रिटर्न करना स्टार्ट करो अप टू सिक्स्थ पोजीशन. मींस इस केस में रिटर्न क्या होगा सी डी एंड ई ओनली. फाइनली इस पर्टिकुलर केस में आउटपुट प्रिंट होगा जा सी डी ई. दिस इज द बिहेवियर ऑफ टू आर्गुमेंट सबस्ट्रिंग मेथड.